शहडोल नशे का गढ़ बन चुका है। जिले के कोयलांचल नगरी धनपुरी में नशे का कारोबार करने वाले एक सरगना असलम उर्फ मंजा को शहडोल पुलिस ने योजनाबद्ध तरीके से रंगे हाथों गिरफ्तार किया है, जिसके पास से भारी मात्रा में नशे की सामग्री गांजा बरामद किया गया है। नशे की सामग्री जब्त कर पुलिस ने आगे की कार्यवाही शुरू कर दी है। इसके खिलाफ पूर्व में भी कार्यवाही की गई थी। हम आपको बता दें कि आरोपी के पास से 13 कार्टून आरसी कफ सिरप और 15 पैकेट एल्प्रोजम टैबलेट की मिली हैं, जो नशे के रूप में काम करती हैं। साथ ही 1 किलो 200 ग्राम गांजा जब्त हुआ है। क्षेत्र में खुलेआम नशे का कारोबार चल रहा है और युवा वर्ग सबसे ज़्यादा प्रभावित हो रहा है। एक कार्रवाई हुई है हमारे अनुभाग में, थाना धनपुरी है। धनपुरी में कच्ची मोहल्ला, तो कच्ची मोहल्ला में मंजा उर्फ असलम नाम के युवक है, उसको पकड़ा गया है, जिसके पास से करीब 1 किलो 200 ग्राम गांजा मिला है, 13 कार्टून जिसमें करीब 432 cc है कफ सिरप है। एक्चुअली कफ सिरप नशे के लिए यूज़ किया जाता है, और नशीली टैबलेट के करीब 15 पैकेट मिले हैं। इसके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है, अपराध पंजीबद्ध किया गया है और कल ही एक बड़ी कार्रवाई इसमें हुई है। क्षेत्र में सर लंबे समय से जो है नशे का कारोबार फल फूल रहा था, ये जो कल लड़का पकड़ा गया है, ये पहले भी इसकी शिकायतें रही हैं और 2 बार इसके विरुद्ध कार्रवाई भी की जा चुकी है, तो समय समय पर कार्रवाई होती है।